नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं जानता हूँ कि आपको वीडियो का बहुत इंतजार होगा। मैं आज थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए अब तक अपडेट आ नहीं पाया। तो बिना समय वेस्ट करे हुए बात करते हैं, जहाँ पे एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों ने बेकसूरों के ऊपर, बेगुनाहों के ऊपर, मासूमों के ऊपर अत्याचार करते हुए वहाँ के पूरी सल्तनत को अपने हाथ में ले लिया। वहाँ का प्रेजिडेंट तो भगोड़ा वहाँ से भाग गया है। वहाँ के जितने भी ऑफिशल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन पर लोग थे, सब ने आर्मी ने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इतने बड़े आतंक के खौफ में जो लोग घूम रहे हैं, इसका जिम्मेदार तालिबान है, एक आतंकी संगठन जिसको हमारे देश में बैठे तथाकथित लोग अपना माई बाप बता रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और यहाँ से उनको थैंक्स भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार को ऐसे लोगों को चुन चुन के जेल में डालना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा तुरंत दर्ज करना चाहिए, ताकि उनकी औकात पता चल जाए कि जिस देश में ये रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, उसके साथ ही नमक हरामी कैसे कर सकते हैं लोग। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के जो एक प्रवक्ता हैं सज्जाद नोमानी, ये महाशय जो है क्या संदेश भेज रहे हैं तालिबान को, सुनिए जरा। देख के आपको भी गुस्सा भी आएगा और शर्म भी आएगी कि ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में हैं। सुनिए जरा इस क्लिप को एक बार। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को, आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये मंजर पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया। पूरे मुल्क में ख्वातीन से बदसलूकी का एक वाकया भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ। मैं अफगानिस्तान के उलमा को भी, जुआमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूँ। लगता है नोमानी साहब को इतना प्यार हो गया आतंकवादियों से कि भूल गए हैं कि तालिबान ने जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि इन्होंने किस तरीके से मासूमों पर अत्याचार किया, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को किस तरीके से मारा। US आर्मी के वहाँ पे हजारों की तादाद में जवानों का नरसंहार किया गया और ये महाशय इसको जो है शांति दूत बता रहे हैं, पीसफुली सब कुछ कर दिया वो बता रहे हैं। बड़ा धिक्कार होता है ऐसी सोच के ऊपर। ये सज्जाद नोमानी दानी सिद्दीकी को भूल गए हैं, जो कि खुद एक भारत का पत्रकार था और अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग के समय पर उनको गोली लग गई थी और रवीश कुमार ने खुद लिखा था कि लाना था उस बुलेट पे जिसने इस पत्रकार को मारा। तो अब सोचिए, हमारे देश के तथाकथित पत्रकार खुल के भी सामने नहीं आते, आतंकियों को आतंकी नहीं बोलते, मजहब और धर्म देख के बातें करते हैं, उसको भी लानत बुलेट को भेजी गई थी। इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया था, जाके देखिएगा। लेकिन खुल के ही नहीं बोला कि तालिबान में बैठे आतंकी किस तरीके से लोगों का नरसंहार कर रहे हैं और खुद हमारे भारत के देश के एक पत्रकार को मार दिया गया है। तो ये हमारे देश के सो कॉल्ड पत्रकार और सो कॉल्ड सिटीजन्स। और ऐसे एक नहीं है, बहुत हैं। UP संबल समाजवादी पार्टी के नेता जो सांसद भी बताए गए हैं, जिनका नाम शरीफुर रहमान बर बताया गया, इनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ये भी इसी तरह की कुछ ऊटपटांग हरकतें कर रहे थे। तो यार मुझे समझ नहीं आता, जो लोग भाई रहते हैं हिंदुस्तान में, मैं बताऊँ इतना बढ़िया देश हमारा है ना, यहाँ पे किसी को भी बोलने की आज़ादी के ऊपर कुछ भी बोल लेते हैं, देश के किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को, प्रधानमंत्री को सुबह शाम गालियाँ देते हैं, देश को कोसते हैं। मतलब कैसा देश है यार ये, कई बार बड़ी हैरानी होती है और हंसी भी आती है कि इतनी आज़ादी इस देश के अलावा किसी देश में नहीं मिलेगी। किसी और देश में अगर कोई इतनी ज़रूरत कर जाए ना अपने देश को तोड़ने के लिए, ऊटपटांग नारेबाजी कर जाए, देश को तोड़ने की हरकतें कर जाए, देश के खिलाफ बोल जाए, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल जाए, तो उठा के जो है सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। पर बहुत खुश नसीब हो तुम लोग कि तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो। बड़े ही अजीबोगरीब नेता हैं, बड़े ही अजीबोगरीब सिस्टम है। यहाँ पे ऐसे जहर फूंकने वालों के ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं होता। हम जैसे कुछ लोग आके बस बातें रख देते हैं, उसके बाद क्या होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता। अभी बता दो, उत्तर प्रदेश में ATS कि नई ब्रांचेस खोलनी शुरू हो गई हैं, दारुदमूल, देवबंद, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे योगी सरकार ने तालिबान की जिस तरीके से वहाँ पे हरकतें चल रही हैं वो देखते हुए, खुफिया एजेंसीज के द्वारा मिली हुई खबरें देखते हुए, बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे अभी दिन रात एक कर दिया है। 24-48 घंटे के अंदर वहाँ पे सोचिए कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है, पूरा प्लान बन चुका है। और ATS की अलग अलग डिफरेंट जगहों पर तकरीबन अभी फ़िलहाल बताया गया 3 ब्रांचेस खोलने जा रही हैं। और खबरें आ रही हैं कि हमारे देश में भी बैठे कुछ लोग ऐसी साजिशें रच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जाके देश को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ऐसी मानसिकता के
चलते हुए, तो बहुत अच्छा कर रहा है हमारा देश का सिस्टम, हमारी सरकारें, और मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छी पहल कर रही है कि देश में बढ़ने वाले ऐसे आतंकियों का सर्वनाश करने के लिए पहले से ही मजबूत तैयारी कर रहे हैं ताकि देर ना हो जाए, जैसे कि अफगानिस्तान में हुआ। अब चलते चलते एक और लिब्रांडू सोरा भास्कर की बात कर लेते हैं। सोरा भास्कर बोलती है कि हिंदू जो हैं आतंकी हैं। इसने एक ट्वीट किया, ना जाने क्या क्या नफ्सना बकते हैं लोग। और मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, कैसा सिस्टम है, कैसा कानून है यहाँ पे। ट्विटर ट्विटर खेलते रहते हैं नेता, अभिनेता और जर्नलिस्ट और सब लोग, लेकिन दम किसी में नहीं होता कि आगे आके एफआईआर करने का। 295A सेक्शन, हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट्स, 3 साल तक की सजा हो सकती है, जेल में जा सकती है, लेकिन कौन करेगा एफआईआर। अब सारे काम जो है रॉयल सोल्जर चैनल के माध्यम से होते रहेंगे। देश के ऊपर कितने लोगों के ऊपर हम लोग जाके मुकदमे दर्ज कराते रहेंगे। कुछ जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की, बाकी लोगों को भी बनती है। जाइए आप लोग भी, उठिए, ये सारे एविडेंस लेके जाया कीजिए, आप वहाँ पे एफआईआर कराया कीजिए अपने अपने इलाकों में। जब देश भर में ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी शुरू होंगी, इनकी नानी याद आ जाएगी, इनकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी, वरना ये लोग ऐसे दिन रात भौंकते रहेंगे। और आप लोग सुनते रहना, जब बात आती है भौंकने की, तो हमें अपने देश के कुत्तों का भी बहुत गर्व करना पड़ेगा। हमारे देश में जो है अभी आप जानते हैं कि जिस तरीके से तालिबान ने वहाँ पर सब चीज़ें करी, अफगानिस्तान से हमारी भारतीय वायुसेना का विमान जो है काफ़ी सारे पैसेंजर्स को लेकर वहाँ से सुरक्षित लेकर हिंदुस्तान वापस लेकर आया है, जिसमें ITBP के 100 कमांडोज भी शामिल थे जो स्पेशली विमान के साथ गए थे देख रेख के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और बिल्कुल सेफली वहाँ से लेकर आए। लेकिन एक और बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो श्वान हैं, जो हमारे स्निफर डॉग्स हैं, ट्रेन डॉग्स हैं, वो भी विमान में साथ गए थे, और उनके नाम मैं आपको बता दूँ और फोटोज भी आपको दिखा दूँ, माया, रूबी और बॉबी। ये जो है पूरी अलर्टनेस के साथ पूरा सूंघते रहे विमान में कि वहाँ से कोई आतंकी या गलत एलिमेंट ना चढ़ जाए। बड़ी मुश्तैदी के साथ उन्होंने अपना फ़र्ज निभाया, और जब वापस भारत में आके लैंडिंग हुई तो बहुत ही खुशी हुई। तो हमारे तो देश के भी कुत्ते इतने वफादार हैं कि देश का नमक अदा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे भी गद्दार हैं जो खाते यहाँ का हैं, फैसिलिटी सारी यहाँ की लेते हैं, और गुणगान आतंकियों का और देश के गद्दार दुश्मन देशों का गाते हैं। बड़ा बेकार ऐसी सोच वाले लोगों के ऊपर। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को भी जो है ना बोरिया बिस्तर बांध के अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। अच्छा मौका है, इनको उनके पसंदीदा लोग मिल रहे हैं जिनकी तारीफ कर रहे हैं। खूब जमेगी महफिल जब मिल बैठेंगे ऐसे चार यार, तो इनको भेज दीजिए और उनका पत्ता टिकट सीधा अफगानिस्तान का काट दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पहली बार यदि आप अपने चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटी वाला निशान है प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं दबाया तो अगली बार कोई भी वीडियो आपके स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाएगा, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं इन तमाम लोगों की सोच के ऊपर, ऐसे लोगों के विचारधारा के ऊपर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मात्र चैनल नहीं, एक परिवार है, और इस परिवार से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार भी वहाँ पर शेयर करते रहा कीजिए, ताकि आपके विचार भी लाखों लोगों तक आपके कमेंट्स के माध्यम से पहुँचते रहे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब तक पहुँचाएँ, ताकि देश के हर एक कोने तक ऐसी मानसिकता और ऐसी प्रवृत्ति के लोगों की सोच जाए, उनको पता चले कि देश में क्या पनप रहा है, किन बीजों की तैयारी यहाँ पे हो रही है जो आगे जाके एक विषैले वृक्ष बन सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।